एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उस मेंशन के जितने भी रक्षक और जो भी बटलर वहाँ काम करते थे वो सभी उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। बटलर उस बंदे से कहते हैं, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने ये सब किया है और तुम ऐसा कर सकते हो। मुझे तो ये भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुम वूडू फैमिली के साथ मिलकर काम कर रहे हो ताकि तुम मिस्टर वूजी को हरा सको। अगर मास्टर क्वीन अभी ज़िंदा रहते तो वो बहुत नाराज़ रहते हैं तुमसे। वो बंदा कहता है, चुप रहो, अपना मुँह बंद रखो, उसके बारे में मत बोलो जो अब यहाँ पर नहीं है। इस मेंशन का असली हकदार मैं हूँ, ये नहीं। लेकिन फिर भी उस बूढ़े आदमी ने मेरी जगह इसे चुना है। वो जी कहता, तुम किसी काम के नहीं थे, तुम कचरे थे, तो वो तुम्हें अपना सक्सेसर कैसे चुनते, इसलिए उन्होंने मुझे चुन लिया। अगर तुम्हें ये मेंशन सचमुच चाहिए तो तुम आओ और मुझसे दो दो हाथ क्यों नहीं करते। वो लड़की कहती है कि तुम लोग सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। तुम लोगों को क्या लगता है कि हम दोनों तुम्हारे जाल में फंस चुके हैं? तभी हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जिसके हाथ में जहर फैल चुका होता है, और इस तरह बटलर के हाथ में भी जहर फैल रहा होता है। वो लड़की कहती है कि वो जहर का इस्तेमाल करने माहिर है, क्योंकि इसका ये जो क्लैन होता है ना, ये जहर में ही एक्सपर्ट होता है। और ये बताती है कि तुम लोग आसपास ध्यान नहीं दे रहे थे, इसलिए मैंने तुम लोग को पॉइजन दे दिया। वो जी कहता, लगता है मैंने तुम्हें अंडरएस्टिमेट कर दिया। वो लड़की कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने उस लड़की को पॉइजन नहीं दिया था? अगर तुमने उसे थोड़ा सा भी छुआ होगा तो तुम्हारी बॉडी में भी पॉइजन फैलना शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो तुमने मेरे उस मॉन्स्टर को मार दिया, उसके बाद तुमने उसके अंदर जो डीमन पिल था वो भी निकाल लिया। मैं तुमसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगूंगी, तुम मुझे बस वो डीमन पिल और अपना वो मेडल दे दो, उसके बाद मैं तुम्हारे शरीर के अंदर से तुम्हारे पॉइजन निकालने में मदद करूंगी। वूजी उस मेडल को निकालता और कहता है, क्या तुम लोगों को ये चाहिए? वो बंदा सीधे वूजी की तरफ आगे बढ़ रहा होता है और कहता है, ये मुझे दे दो बच्चे। वो बंदा सोच रहा होता है, भले ही तुम कितने भी ज़्यादा जीनियस क्यों ना हो, लेकिन अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो। जैसे ही वो उस मेडल को लेने जाता है, वो ही उसका हाथ पकड़ता है और उसे एक ज़ोरदार पंच मारता है। वो लड़की ये देख के हैरान हो जाती है और कहती है, क्या तुम्हारे शरीर के अंदर पॉइजन नहीं फैला था? वो जी कहता है, इतना छोटा सा पॉइजन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वो सोच रहा होता है, चलो मेरे पास ये ताकतवर होली बॉडी है, इसकी वजह से ये छोटा मोटा पॉइजन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। वो कहती, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मेरा पॉइजन टॉप 5 पॉइजन्स में से एक है। तुम इंसान हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि अगर ये इंसान की बॉडी होती तो वो इस पॉइजन को नहीं सह पाती। मैं ये शर्त लगा के कह सकती हूँ कि सिर्फ तुम बाहर से ताकतवर बनने का दिखावा कर रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर वो पॉइजन तुम्हें खाता जा रहा है। वो वूजी पे डार्ट से हमला करती है, लेकिन वूजी उन सभी डार्ट्स को आराम से रोक लेता है। इस तरफ उस लड़की को अभी विश्वास नहीं हो रहा होता है कि आखिर कैसे वूजी ने उसके पॉइजन को न्यूट्रलाइज कर दिया और उसके इन सभी डार्ट्स को भी रोक दिया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा होता। इस तरफ वूजी उन दोनों के हाथ से जहर निकाल रहा होता है। बटलर कहता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। वूजी कहता, जाओ और साइड में खड़े हो जाओ। उस लड़की को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि वूजी उसके सामने सभी लोगों को पॉइजन से बचा रहा होता है। वो कहती है, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी भी बहुत सारे बेबीज है जो तुम्हें हरा सकते हैं। वूजी की तरफ बहुत तेज़ी से एक मेंढक और एक सांप आ रहे होते हैं, लेकिन वूजी पल भर में ही उन दोनों को ख़त्म कर डालता है। उसके बाद वूजी इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज़ करता है और सीधे उस लड़की के पीछे आ जाता है, लेकिन उस लड़की को पता चल जाता है कि वूजी उसके पीछे है, इसलिए वो अपना पॉइजन फेंकती है और वहाँ से हट जाती है। वो लड़की कहती है, फ़र्क नहीं पड़ता तुम कितने भी ताकतवर क्यों ना हो, तुम्हारी कोई ना कोई कमज़ोरी ज़रूर होगी। वूजी सोच रहा होता है, मुझे उसे ऐसे डायरेक्ट टच नहीं करना चाहिए, भले मेरे पास होली बॉडी क्यों ना हो, लेकिन उसे ऐसे टच करना खतरनाक रहेगा। वो अपनी बीम का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो लड़की उस बीम से ही बच जाती है। वूजी उसे कहता है, लगता है तुमने भी बहुत कड़ी ट्रेनिंग की है। वो लड़की बताती है कि तुम ये बात ज़रूर अच्छे तरीके से जानते हो कि मेरे बॉडी के अंदर स्नेक स्पिरिट है, और हमारी फैमिली वुडून फैमिली ये एक्सपेरिमेंट करते रहती है, मतलब तरी तरीके के पॉइजन पे, और इनकी फैमिली पॉइजन से ही जानी जाती है। लेकिन वूजी का जवाब क्या होता है कि नहीं, मैं इसके बारे में नहीं जानता हूँ। अब जबकि मैंने अपने पूरे बॉडी को पॉइजन से ढक लिया है, तब तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो, और मैं तुम्हारे हमलों से बड़ी आसानी से बच भी सकती हूँ। ये काफ़ी शर्म की बात है कि मैं भी तुम पर हमला नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा ताकतवर हो। हमें इस लड़ाई को यहीं पे रोक देना चाहिए, और फिर मैं इधर से वापस चली जाऊँगी, मैं फिर यहाँ पे कभी नहीं आऊँगी। क्या कहते हो, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? वो जी उस पे हमला करने जा रहा होता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम पे हमला नहीं कर सकता हूँ? इस तरफ वो लड़की सोच रही होती है, मैं तो उसके मूवमेंट्स को ठीक से देख भी नहीं पा रही हूँ। वो जी अचानक से गायब हो जाता है वहाँ से। वो उसे ढूंढने लगती है, लेकिन कहीं नहीं मिलता। फिर वो कहता, सरप्राइज़, मैं तुम्हारे पीछे हूँ, और वो उसे एक ज़ोरदार मारता है। तुम्हें क्या लगता है, मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? मैं तुम्हारी इन बातों में नहीं फंसने वाला हूँ, वो लड़की कह रही होती है। अब लगता है मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, मुझे उस चीज़ का इस्तेमाल अब करना ही पड़ेगा। वो
वो तुरंत ही अपने हस्बैंड के पास जाती है। वो कहता है तुम ये क्या कर रही हो। वो एक ट्रिक का इस्तेमाल करने जा रही होती है। वो उसके पेट पर एक अजीब सा निशान बनाती है, वो भी अपने पॉइजन की मदद से। उसका पेट अचानक से बहुत ज़्यादा फूल जाता है और वो कह रहा होता है कि लगता है मेरे पेट के अंदर से कुछ बहुत बड़ी चीज़ बाहर निकलने जा रही है। उसे बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा होता है। वो जी सोच रहा होता है ये टेक्निक तो बिल्कुल उस दुनिया की टेक्निक जैसी है। और इस तरफ हमें उस बंदे को दिखाया जाता है जिसके पेट के अंदर से कुछ बहुत ही अजीब सी चीज़ निकल रही होती है, जिसके चारों तरफ पूरा पॉइजन फैला हुआ होता है। उसके अंदर से एक बहुत ही पॉइजनस मॉन्स्टर निकलता है। वो लड़की बताती है कि ये इनका सबसे ब्यूटीफुल मास्टरपीस है और ये वूडून फैमिली का एक स्पिरिट है, स्नेक स्पिरिट आप इसे कह सकते हैं, जिसे ये लोग प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसे अलग अलग टेक्निक सिखा सकते हैं और धीरे धीरे वक्त के साथ साथ ये मॉन्स्टर और भी ज़्यादा ताकतवर होते जाएगा। ये एक एंशेंट मेथड है और ये बहुत साल पहले, लगभग 200 साल या उससे भी पहले ये मेथड गायब हो चुका था। इस एरा में इसे सीखना तो नामुमकिन है, लेकिन वुडन फैमिली, एक सीरियल में होता है ना एक ऐसा फैमिली जो पुराना से पुराना मेथड भी ढूंढ लेता है, वही सुई में, मतलब भूसा में सुई ढूंढने वाला चीज़, वही है ये लोग। वो लड़की कहती है कि मैं कुछ और साल इंतज़ार करती ताकि मैं पॉइजन के नए नए एसेंस को ढूंढ सकूं, लेकिन तुम्हारी वजह से मुझे इस टेक्निक का इस्तेमाल अभी करना पड़ रहा है। और इस तरफ उसका हस्बैंड अब टपकने के कगार पे होता है और कह रहा होता है तो ये है तुम्हारा असली नेचर, मैं तुम्हें अब जान गया हूँ कि तुमने मेरे साथ कभी भी अच्छा व्यवहार नहीं किया है, ना ही तुम मेरे साथ कभी भी अच्छे से पेश आई। और फिर वही लंबा चौड़ा डायलॉग मारते मारते टपक जाता है। इस लड़की को लेकिन ज़रा ही फ़र्क नहीं पड़ता है, वो टपक रहा है तो टपकने दो। इस तरफ बूजी सोच रहा होता है ये मॉन्स्टर तो बिल्कुल मेरी दुनिया जैसा है, बिल्कुल वही पॉइजनस मॉन्स्टर। वो मॉन्स्टर काफ़ी तेज़ी के साथ हवा में उड़ता है और वूजी पे हमला करने के लिए आ रहा होता है। वूजी कहता है इस मॉन्स्टर के मूवमेंट्स तो बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। वो मॉन्स्टर वूजी पे हमला करता है। वूजी उसके हमले को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन अब उसके अंदर भी पॉइजन फैल चुका है। वूजी भी उस मॉन्स्टर पे हमला करता है और वो सोच रहा होता है भले ही ये मॉन्स्टर मुझे नुकसान पहुँचा सकता है, लेकिन ये उन मॉन्स्टर जितना ताकतवर नहीं है, मैं इसे हरा सकता हूँ। वूजी का सिर्फ एक हमला लगते ही वो मॉन्स्टर काफ़ी दूर जाके गिर जाता है और लगता है अब इस मॉन्स्टर का भी खेल ख़त्म होने वाला है। अचानक से उस मॉन्स्टर के अंदर से बहुत तेज़ रोशनी निकल रही होती है। वूजी कहता है क्या ये इवॉल्व होना चाहता है। और वो लड़की कहती है मुझे पता नहीं था ये मॉन्स्टर इतना ज़्यादा ताकतवर है, अच्छा है मेरे पास ये मॉन्स्टर है। और बस हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक कर दें, चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब कर दें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।